वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय साद अनवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, विस्कोसिटी। हम विस्कोसिटी की आज एक एक चीज डिस्कस करेंगे। विस्कोसिटी होता क्या है? आपने देखा होगा कि शहद गाढ़ा होता है जबकि पानी उतना गाढ़ा नहीं होता, पतला होता है। तो शहद के बारे में, हनी के बारे में हम कहेंगे कि ये विस्कस है, वाटर के बारे में कहेंगे कि विस्कस नहीं है, या हनी के बारे में कहेंगे कि हम मोर विस्कस है, जबकि वाटर के बारे में कहेंगे कि उसकी विस्कोसिटी बहुत कम है। कुछ लिक्विड गाढ़े होते हैं। गाढ़े लिक्विड क्या होते हैं कि उनमें वो लिक्विड फ्लो नहीं कर पाते, वो ज्यादा मोबाइल नहीं होते, वो फ्लो करने में उनको मुश्किल पेश आ रही होती है, उनकी लेयर्स के दरमियान रेजिस्टेंस होती है जिसकी बना पर लिक्विड फ्लो नहीं कर पाते। तो हम देखते हैं कि विस्कोसिटी क्या है। इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। लिक्विड फ्लो करता है, अगर लिक्विड फ्लो सही तरह न कर पाए बल्कि रेजिस्टेंस फील करे, लिक्विड की लेयर्स आपस में रेजिस्टेंस फील करें और लिक्विड के फ्लो में रुकावट हो, तो वो विस्कस लिक्विड है और ये केस विस्कोसिटी कहलाती है। इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ लिक्विड्स। रेजिस्टेंस टू फ्लो क्यों? रेजिस्टेंस टू फ्लो क्यों? क्यों होती है रेजिस्टेंस टू फ्लो? क्यों लिक्विड मूव नहीं कर पाता? ड्यू टू इंटरमोलेकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। इंटरमोलेकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से लिक्विड मूव नहीं कर पाते। यहाँ हमने एक डायग्राम बनाई है, फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए नैरो ट्यूब। ये एक ट्यूब है, लिक्विड की लेयर्स हैं, लिक्विड की लेयर्स मुख्तलिफ वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं। हमने इसमें से दो लेयर्स ली, एक लेयर ये ले ली, एक लेयर ये ले ली, टू पैरेलल लेयर्स मूविंग इन ए लिक्विड। इस फिगर का कैप्शन लगाएं कि टू पैरेलल लेयर्स मूविंग इन ए लिक्विड, और इन दोनों लिक्विड की लेयर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ही मामूली डिस्टेंस डी एक्स। एक लिक्विड की लेयर की वेलोसिटी अगर वी है तो दूसरे की वेलोसिटी जरा चेंज है, वो क्या है? वी प्लस डी वी। कंसिडर टू एडजेसेंट मूविंग लेयर्स ऑफ ए लिक्विड, जैसा कि एक लेयर ये, एक लेयर ये, विच आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी एक्स। डिस्टेंस क्या है? डी एक्स। इनके दरमियान डिस्टेंस है डी एक्स एंड है वेलोसिटी डिफरेंस डी वी। तो अब देखें जो फोर्स है, जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो स्टूडेंट्स हमने बात की कि फोर्स कौन सी? फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये एफ कौन सी है? फोर्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। देखें अगर ये एरिया ज्यादा होगा, वो पाइप, वो ट्यूब, वो स्पेस, वो जगह जहां से लिक्विड फ्लो कर रहा है, अगर उसका एरिया ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगी। अगर फ्लो की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगी। अगर लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस डी एक्स ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगी। एक लिक्विड की लेयर यहां मूव कर रही है, अगर दूसरे लिक्विड की लेयर यहां मूव कर रही है, लेयर्स ऑफ लिक्विड के दरमियान ये डी एक्स जो छोटा सा फासला है, अगर ये ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगी। तो ये एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एरिया के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डी वी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी एक्स के। हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करके एक साइन ऑफ इक्वालिटी और एक कांस्टेंट लगाते हैं। ये कांस्टेंट क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं ईटा। ईटा इसका सिंबल है ये। दिस कांस्टेंट ईटा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जबकि इसमें जो डी वी ओवर डी एक्स है, डी वी बाय डी एक्स, दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, जी आर ए डी आई ई एन टी। डी एक्स क्या है? दो लेयर के दरमियान का डिस्टेंस। डी वी क्या है? ये वेलोसिटी डिफरेंस है। अगर ये वेलोसिटी वी है तो दूसरी लेयर की जो वेलोसिटी होगी वो वी प्लस डी वी होगी। वेलोसिटी डिफरेंस है डी वी। स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की। अब हम देखेंगे कि ईटा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। हमने पहले एक फार्मूला हमने लिखा, पीछे भी हमने ये फार्मूला एक तरह से कैलकुलेट किया, फार्मूला ड्राइव किया कि फोर्स इज इक्वल टू ईटा ए डी वी बाय डी एक्स। यहां से हम ईटा को सेपरेट आउट कर लेंगे और ये इक्वेशन की ये शेप बन जाएगी।
आइए अब हम इस शेप को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर टू मेंटेन ए यूनिट डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स ऑफ ए लिक्विड। देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर टू मेंटेन ए यूनिट डिफरेंस ऑफ ए वेलोसिटी बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स ऑफ ए लिक्विड। तो फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं डिस्टेंस डी और डीएक्स की जगह डिस्टेंस, वेलोसिटी फोर्स का यूनिट न्यूटन है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है। न्यूटन किसके बराबर होता है? न्यूटन बराबर होता है 1 न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुमने वो लिखा, चीजों को अरेंज किया, यहाँ से कुछ कैंसल आउट हुआ, इसके साथ कैंसल आउट हुआ, इसके साथ कैंसल आउट हुआ और ये हमारे पास फाइनल यूनिट आ गया। ये यूनिट आ गया कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का, SI यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। फिर हम चलते हैं एक नई टर्म फ्लूइडिटी के बारे में। फ्लूइडिटी क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। अगर हम इस विस्कोसिटी का रेसिप्रोकल ले लें, विस्कोसिटी को डिवाइड कर दे 1 से 1 बाय कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी टर्म है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी का अगर रेसिप्रोकल लें तो वो फ्लूइडिटी होता है, फ्लूइडिटी इज इक्वल टू 1 बाय ईटा। स्टूडेंट अभी हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। तो एक बात याद रखें, टेम्परेचर और विस्कोसिटी का इन केस ऑफ लिक्विड टेम्परेचर और विस्कोसिटी का इनवर्स रिलेशन है। टेम्परेचर और विस्कोसिटी का इनवर्स रिलेशन है इन केस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के केसेस में टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम हो जाती है। क्या वजह? विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे विस्कोसिटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो मॉलिक्यूल की मोशन ज्यादा हो जाएगी। एट हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, मॉलिक्यूल की मोशन ज्यादा। एक एस्टिमेशन है, एक अंदाजे के मुताबिक फॉर 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर 2% डिक्रीज ऑफ विस्कोसिटी। यानी कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो 2% विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। ये विस्कोसिटी और टेम्परेचर का एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप दिया आर्हेनियस ने। ये एक इक्वेशन दी आर्हेनियस ने कि विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इट इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर बी स्लैश आर टी। इसमें ये जो ए है और बी है ये कॉन्स्टेंट्स हैं, डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड पोलर हो सकता है, नॉन पोलर हो सकता है, लिक्विड की नेचर मुख्तलिफ हो सकती है। तो ए और बी कॉन्स्टेंट डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ लिक्विड पे। इक्वेशन वन को हमने दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया तो इक्वेशन वन ये बन गई। इसको जरा रीअरेंज किया तो ये फाइनल इक्वेशन बन गई। ये है वाई एक्सिस यानी वाई पे आएगा, ये है एम एक्स और प्लस सी। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रा करें तो जो इंटरसेप्ट है वो बनेगा नेचुरल लॉग ए, और इस ग्राफ की जो स्लोप बनेगी, इस ग्राफ की स्लोप जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी स्लोप ऑफ दिस ग्राफ बी ओवर आर। तो यहां से हम बी को कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरसेप्ट से हम ए को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे हम 1/t प्लॉट करेंगे, 1/t प्लॉट करेंगे टेम्परेचर का वैल्यूज 1/t प्लॉट करेंगे, और वाई एक्सिस पर हम नेचुरल लॉग ईटा प्लॉट करेंगे। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगी जो इसका इंटरसेप्ट होगा नेचुरल लॉग ए। तो इस इंटरसेप्ट से हम इस ए को कैलकुलेट कर पाएंगे और स्लोप बराबर है बी डिवाइडेड बाय आर। तो स्लोप से हम हमारा जो कांस्टेंट बी है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे।